Madam Sita. Allah is here. आप लोग आशा करते हैं आप सभी सही होंगे। मैं भी बहुत खुश और बहुत ही अच्छा हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ एसटी बॉय हिंदी में। अच्छा लगा जो लाइक करना। हम लोग आसाम से मतलब अभी अरुणाचल में आ गए हैं, मतलब हम लोग धान को लगाने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा लोकल भाषा से कहते हैं हुड़ू रोई करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे दीदी लोग है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा सार, ये हमारा बड़ा दादा, और ये रहा हम लोग जो अरुणाचल का गाँव का रास्ता। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत, मतलब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोग आने वाले थे। और यहाँ पर हमारा दादा लोग, हमारा दीदी लोग, माँ लोग अभी उतरेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जबकि धान रोपने के लिए। और यहाँ का नज़ारा थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की पूरा रबर गार्डन लगाया है। और ये है अरुणाचल प्रदेश, और हम लोग पहुँचे हैं अरुणाचल प्रदेश। यार ये है पहाड़, और पहाड़ों में पूरा की पूरा रबर लगाया है। साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेटलनाथ तामूल भी लगा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा था इस जगह को, और बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड लोग, हम लोग अभी पहुँच गए हैं। पहुँच के बाद हम लोग अभी जो ये हम लोग ये धड़ंग ढूंढ करके हम लोग ले रहे हैं ये डेक्ची, ताकि हम लोग वहाँ पर जाके खाना वाना भी बना कर खा सके, क्योंकि वहीं पर जाके तो खाना तो पड़ेगा ना, अगर नहीं खाएंगे तो जियेंगे कैसे। तो इसीलिए हम लोग ले हैं। और यहाँ पर देखो लाइन हुई है पूरा की पूरा, हम लोग जा रहे हैं पत्थर पर, तो बने रहिए पत्थर में भी, कैसा लगते हैं कैसा नहीं, शायद आप लोगों को बीच में कोई तो नहीं है मालूम। फाइनली जहाँ पर हम लोग आने वाले थे यहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा की पूरा पत्थर। और यहाँ वहीं पर चले गए हैं कुछ लोग, क्योंकि वहीं पर हम लोग लगाने वाले हैं धान। और ये यहाँ का और टोको पत्ता का घर आप लोग देख सकते हैं, शायद आप लोगों के पास तो नहीं है, या वहाँ पर तो टोको पत्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल ज़्यादातर आप लोगों को टोको पत्ता का घर देखने को मिलेगा। वहीं पर भी बहुत सारा है। तो यहीं से हम लोग जाएंगे, उसके बाद लगाएंगे काम करेंगे। ये रहा यहाँ पर ट्रैक्टर, हैंड ट्रैक्टर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से खुडू 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 करके मतलब पूरा के पूरा लगाया है। यहाँ का धान जो दक्षिणा कितना खूबसूरत, बाप रे हरियाला देखने नज़ारा जो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है ना जी ये पहाड़ एरिया, मतलब ये पहाड़ एरिया है, पहाड़ का सार जो है गोबरा जो है वो मतलब बहकर आती है, और इस पत्थर में पूरा के पूरा गोबरा है, मतलब सार है। और इसीलिए ये देखो धान जो देखो कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा के पूरा ग्रीन हो गया है। इसी तरह मतलब यहाँ पर मालिक के अंडर में ज़्यादातर लोग आते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। और खेती करने के बाद जब क्या कहते हैं, खेती होने के बाद जब ये उठाते हैं ना, उसके बाद फिर घर को चला जाते हैं। फिर खेती से आने के वक्त फिर ये लोग आकर ऐसे खेती करते हैं। Oh, oh, oh.
ये हमारा सर जी कैसा देख, उसका आइडिया जो देख कैसा कर रहा है। बेको बुखनांगो हां बेको बुखनांगो बेको बुखनांगो दासी नांगो इनोन साफा खालामनानै जाबनांगो। अरे ये जो एक वो जो गर्मी से बचाने का तरीका ये देखो कैसा छाता का टेंट लगा कर मतलब ये देखो क्या कर रहा है। ये देखो ये क्या हुआ है। हमको भाई ऐसा करके अच्छा है ना, ऐसा करते हैं तो यहाँ का जो मिट्टी जो है ना सफा हो जाता है, उसके बाद लगाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। वाह 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 पर जुगा सुलाइबाय गरानाव खुच्चा फुनाय हवाफोरा खुच्चा फुनाय खुच्चा को माने दैयावसो फुयो ना पानी दे खुटिया उठाय किंतु आजि गरानाव फुबाय ना पानी होले आरो बिदिनो हवाफोराबो माइसो हवाफोरा खुच्चा फुनानै हिनजावफ्रा बांग्लावसो दं दाना जुगा सोलाय मारबाय जुगा सोलाय मारबाय सेस माबानो जिगाबसो जिगाब पे दीदी लोग शुरू हो गए हैं। मां लोग दीदी लोग यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखो किस तरह छाता लगा के, क्योंकि धूप ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सार जो बहुत कष्ट कर रहा है बेचारा, क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन में देना ठीक है, ऑक्सीजन में क्यों क्यों काटने का टाइम में देना। ये देखो और ये है जो कुठिया विधान ना क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं ये क्या है। यहीं से मतलब उठा कर लेके जाना पड़ता है। अभी तो कुठिया तो नहीं ख़त्म हो गया सर, तो थोड़ा एक बाकी है, अभी तक तो बंदा नहीं हुआ है, तो उसको मैं लेके जाऊंगा। ये है लंबा हो गया ज़्यादा, इसलिए ऐसा मुंडी को करना पड़ता है। हाँ इसके बाद ना ऐसा लगाना पड़ता है, ऐसा ये ज़्यादा हो गया। भाई इतना स्पीड में लगा रही हो, वाह ये तो बहुत डेंजर है। बहुत साल के बाद कम से कम 7-8 साल हो गया। हाँ पहले लगा रहा था, अभी तो छोड़ दिया ना। ठीक है ओ हे आंटी जी का जामाई का जैसा लग रहा है बोलता है तुमको। हाँ हाँ देखने में सेम सेम लग रहा है बोला। शायद जामाई था। কেনেকুৱা লাগিছে ভাইটি? একদম বঢ়িয়া, মজা লাগিছে না? জানে দেখুন বা ইমান ভালকৈ ৰুবলৈ জানে। बजे भी पार हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा रेस्ट किए हैं। रेस्ट करते वक्त मैंने थोड़ा यहाँ पर आ गया, कुछ नज़ारा ऐसा है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा नदी जैसा थोड़ा सा ये सड़क बहते हुए दोनों तरफ से आ रही है, और देखो वहाँ पर उसका जो जिसका हम लोग धान लगा रहे हैं उसका घर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और वहीं पर भी बहुत ऐसा धान है, मतलब ये लोग सब मलिक के अंडर में खेती करने के लिए आया है, और यहाँ पर रह कर खेती करते रहते हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे मांस खाने के लिए ना, मछली खाने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है, हर दिन खा सकते हैं, क्योंकि यहीं पर भी अगर यहाँ पर नेट लगा देने से पूरा की पूरा मांस मिलेगा, मतलब मांस के लिए मछली के लिए भी कुछ भी तकलीफ नहीं है, पूरा की पूरा खा सकता है। थोड़ा देर के बाद फिर हम लोग खाना भी खाएंगे, क्योंकि खाना हुई नहीं है अभी तक, इसलिए कुछ लोग फिर वापस गए हैं थोड़ा वो धान को लगाने के लिए, तो वो खाना होने से फिर उन लोग आएंगे उसके बाद हम लोग मिलके खाएंगे।
अभी जो हम लोग थक चुके, इसलिए यहाँ का जो मालिक है ना बहुत ही हम लोग के ऊपर दया क्या है, और इसलिए हम लोगों के लिए कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फल लेके आए हैं। ये क्या है, माटी कोटल अनारस, अनारस लेके आए हैं, साथ में यहाँ पे लेटको आप लोग देख सकते हैं एक झोला, और यहाँ पे एक टोको आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको हम ना खाएंगे, मस्ती करेंगे, पूरा पूरा खाएंगे। मतलब देखो आप लोगों को इतना गर्म है, अगर खाएगा तो कितना अच्छा लगेगा देखने में। हम ये वाला तो देखो, और यहाँ पे मोना में पूरा की भरा हुआ यहाँ पर लाया है ताकि हम लोग अच्छा से खा पाए। अभी ये जो लटको दिया है ना, इसको हम खाएंगे। ये देखो कितना अच्छा, ऐसा करके ये देखो बहुत मीठा है। ये रहा लटको, कितना खाओगे? पूरा की पूरा पेट भर के खा सकते हो। और यहाँ पर अनारस, माटी कोठाल, क्या कहते हैं इंग्लिश में, पाइनएप्पल, बोरो में रेमाली, रेमाली, ये रेमाली जंग बेबादी जानेंगे। अच्छा। और यहाँ पर पूरा धूप में काम करते करते गर्मी से पूरा थक चुका है, और इसलिए यहाँ पर रेस्ट किया है सो सो कर। और ये तो सबसे ज्यादा काम किए हैं, क्योंकि बहुत क्या 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 है, पानी को सप्लाई क्या है, और कुठिया का वो मुठा वो सप्लाई क्या है, और साथ में हमारा सारा ये भी बहुत ही कष्ट किया है। और वो जो आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा बड़ा भाई, वो जो आप जी और जंगला सब्जी ढूंढ रहा है। जंगलिया सब्जी, और अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगा, और बहुत ही अच्छा लगता है ये तिरपाल में सोने के लिए। भैया मालूम नहीं कौन ये हमारा दादा कौन सा भाषा बोल रहा है, अभी तो मालूम नहीं पा चल रहा है। हमने का कुछ नहीं कर रहा हो, ऐसा का बतवा हो, सर्वरी है काहे मोबाइल बनाता रहो, ऐसा नहीं बनाता हो। और यहाँ पे एक सब्जी तो हो गया है, यहाँ पर मीट आलू क्या क्या है, और यहाँ पर भी है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते कुछ पत्तियों, ये सब भी लगाना है मतलब सब्जी में। उसके बाद हम लोग खाएंगे। हमारा बजे लोग, दीदी लोग, माँ लोग पूरा की पूरा लाइन होकर यहाँ पर खाने के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर ये देखो मीट करी डाली करी वहाँ पर खाना, और हम लोग वहीं पर बैठने वाला है। और यहाँ पर हमारा सर जी, शुरुआत क्या है खाने का, कैसा लग रहा है सर जी? बुरिया है। और हमारा दादा और मैं यहाँ पर बैठ के हम भी शुरू करेगा खाने के लिए। मोर बाटी इत की बनाया तुम्हें नापम बटन बुली बनवा বঢ়িয়া লাগিছে, এইটো খাবলে ভাল হব, টেষ্টি হব।
अभी जो हम लोग खाना वाना हो गया है और अभी फिर हम लोग जाएंगे जितना बाकी उतना धान को रोहाई करने के लिए। और हम लोग कुछ लोग हम वो कुटिया को उठाएंगे और कुछ लोग हम लोग रोहाई करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते मतलब कम से कम 4-4:30 बजे जैसा तक करेंगे जितना तक होता है। उसके बाद हम लोग वापस वही गाड़ी से हम लोग चला जाएंगे घर को। और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं हम कार रहे हैं वहाँ पर। और ये रहा, ये मतलब पूरा की पूरा लगा दे हैं एक महीना पहले। और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का हरियाला आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत हरियाला। और यहाँ से उनका घर वहीं पर आप लोग देख सकते हैं। और उसका जो हैंड ट्रैक्टर यहाँ पर, इसी से पूरा की पूरा यहाँ पे पूरा मरवा कर धान लगा रहे हैं। और वहीं पे हम लोग हेल्प करने के लिए आए हैं और आज हेल्प करके ही जाएंगे। और आज के लिए हम लोग छुट्टी के लिए मतलब पूरा के पूरा काम किया, उतना तो कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर भी हम लोग किया जितना सका उतना। और अभी हम लोग वापस घर को जाने वाले हैं। तो अभी हम यहीं से कुछ दूर पैदल चल जाएंगे मेन रास्ता तक। और वहीं से हम लोगों का जो कार है ढड्रा वाला, वही कार से हम लोग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो पहले लोग वीडियो को कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इसे नया वीडियो लाऊं तो आप लोग देख सके, क्योंकि मैं इसी तरह नया नया वीडियो लाता रहता हूं। तो थैंक यू फ्रेंड लोग, आज के लिए बाय बाय।